बैंक के निजीकरण के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के तहत महोबा में भी 2 दिन की बैंक हड़ताल शुरू हो गई। बैंक कर्मी द्वारा बैंक में ताला डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और निजीकरण को निजी हित बताते हुए राष्ट्रीयकरण पर जोर देने की मांग बैंक कर्मियों ने की है। महोबा में बैंक के मुख्य गेट पर ताला डालकर प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। यह तमाम लोग बैंक कर्मचारी हैं जो अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर चल रहे हैं। बैंक के निजीकरण और बैंक के निजीकरण के लिए किए जाने वाले बैंकिंग कानून में संशोधन के साथ ही प्रतिकूल दिशा में ले जाने वाले बैंकिंग सुधार की मांग बैंक कर्मी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बैंकों का निजीकरण किए जाने से यह सिर्फ पूंजीपतियों और निजी लोगों का हित होगा, जिसका विरोध बैंक कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। बैंक कर्मियों का कहना है राष्ट्रीयकरण बैंकों का बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार गलत नीति बना रही है। इसी नीति से बैंक में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि आम जनता पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिसको लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 सूत्रीय मांग को लेकर बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर है। और यह हड़ताल की मांग है, यदि नहीं मानी गई तो फिर बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बैंक के बाहर इकट्ठा बैंक कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की है और सरकार की नीति बदलने के लिए नारेबाजी की है। बैंक कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बैंक कर्मचारी व अधिकारी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लामबंद है, इसलिए 16 दिसंबर व 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने से चेक क्लियरेंस, फंड ट्रांसफर सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उपभोक्ताओं को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केवल हमारी 2 मांगे हैं जो आप बैनर में देख रहे हैं, इन्हीं मांगों को लेकर जो है आज पूरे देश में बैंक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण का हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। निजीकरण देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि निजीकरण से जो प्रवेशन हो जाता है तो उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। जो राष्ट्रीयकरण होता है वो राष्ट्र के हित में होता है, जो निजीकरण होता है वो निजी हित के लिए जो है होता है। इसलिए जो है बैंक कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर सरकार ने सही योजनाएँ नहीं निर्धारित की तो बैंक कर्मचारी सदैव जो है हड़ताल के लिए विवश होता रहेगा। और इसी प्रकार आंदोलन हमारे यहाँ 2 दिन का है, 16-17 दिसंबर। आने वाले समय में अगर सरकार ने सही नीति नहीं बनाई तो हो सकता है कि हम लोग आने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी विवश हों। जो हमारी हड़ताल है वो निजीकरण के विरोध में हड़ताल है। सारे लोग हमारे साथ इकट्ठे हो गए हैं और हमें सब लोगों को साथ आने की जरूरत है। देश में जिस तरह से आज प्रचार चल रहा है, निजीकरण का बोलबाला चल रहा है, सारे जितने भी सेक्टर हैं समस्त सरकारी सेक्टरों को निजीकरण के हाथों में देना चाहते हैं, निजी हाथों में देना चाहते हैं। ये राष्ट्र हित में कहीं नहीं है। इसमें आम नागरिक को ज़्यादा परेशानी होगी। हम लोग तो बैंकर हैं, क्वालिफाई वेल क्वालिफाइड होके आए हैं, हर तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पब्लिक हित में जिस तरह राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकर राष्ट्रीयकरण इसी हित में हुआ था कि ग्राहक का ज़्यादा हित हो। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट थे पहले आम नागरिक तक नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन आज राष्ट्रीयकरण होने के बाद वो आम नागरिक तक पहुँच रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार ये चाहती है कि ये सारा चीज़ छीन करके, गरीबों से छीन करके, पूंजीपतियों के हाथ। ये निजीकरण के लिए हड़ताल है, बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके लिए हड़ताल। कितने दिन की हड़ताल चलेगी? 2 दिन अगर मांगे नहीं मानी जाती। अभी फिलहाल ये 2 दिन के लिए है, 16 और 17 दिसंबर। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो और आगे हड़ताल को बढ़ाया जाएगा निश्चित काल। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.